आइए बेटा देखिए, ये सदिश का वेक्टर का लेक्चर नंबर 6 है। पिछले लेक्चर में हमने 7 तक के सवालों को क्या किया था, पढ़ा था। आइए अब सवाल नंबर 8वां शुरू करते हैं। करा एक्स वाई समतल और इस सदिश के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए किसके किसके बीच का कोण ज्ञात करना है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये आपका क्या है, एक्स अक्ष है, और ये क्या है आपका वाई अक्ष है। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, और ये आपका क्या है, जेड अक्ष। तो मुझे क्या पूछ रहा है, एक्स वाई समतल, यानी ये वाला जो समतल है, एक्स वाई समतल, एक्स वाई समतल, एक्स वाई समतल, इस समतल का और इस सदिश के बीच का कोण चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मान लीजिए ये सदिश है, तो एक्स वाई समतल और इस सदिश के बीच का कोण, फिर से एक्स वाई समतल, ये पूरा समतल और इस सदिश के बीच का कोण चाहिए। तो मैं इसके बीच का कोण ज्ञात करने के लिए, एक्स वाई समतल और इसके बीच का कोण ज्ञात करने के लिए, एक्स वाई समतल नहीं, चूंकि एक्स वाई समतल पर जेड अक्ष लंब है, तो मैं एक्स, ये सदिश और जेड अक्ष के बीच का कोण निकाल लूंगा। और फिर चूंकि एक्स वाई समतल, गौर से देखिए, ये आपका एक्स वाई समतल है और ये आपकी जेड अक्ष है, और ये आपको सदिश दिया, कोण चाहिए, एक्स वाई समतल इस सदिश के बीच का कोण चाहिए। तो आप क्या करिए, इस सदिश और जेड अक्ष के बीच का, इस सदिश और जेड अक्ष के बीच का कोण निकालिए, ये कोण निकाल लीजिए। और फिर ये पूरा कोण 90 का होता है इन दोनों के बीच का, तो 90 में जब ये कोण घटा देंगे तो ये कोण ऑटोमेटिक आपको प्राप्त हो जाएगा। कारण आपको एक्स वाई समतल का सदिश नहीं पता होता, बट जेड अक्ष का सदिश पता होता है। तो आइए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, चूंकि एक्स वाई समतल पर लंब सदिश, एक्स वाई समतल पर लंब सदिश, मैंने उसको वेक्टर ए मान लिया, और वो एक्स वाई समतल पर लंब यानी जेड अक्ष का, और जेड अक्ष का सदिश सिर्फ क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। और चुपचाप हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया तथा। दूसरा सदिश बता दिए, दूसरा सदिश क्या दिया है, उसको मैं वेक्टर बी मान लूंगा। दूसरा सदिश क्या दिया है, 2i प्लस 2j माइनस के। फिर से देखिए, एक मुझे क्या चाहिए, एक्स वाई समतल चाहिए। मैंने एक्स वाई समतल को छोड़ दिया, इसके बीच का मैंने एक्स वाई पर लंब समतल जेड अक्ष का लिया, तो एक्स वाई समतल पर लंब सदिश यानी, लंब सदिश यानी अर्थात जेड अक्ष का सदिश। तो बताइए जेड अक्ष का सदिश क्या हो जाएगा, जेड अक्ष का सदिश क्या हो जाएगा, के कैप होता है। तो उसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। अब माना इन दोनों के बीच का कोण, तो माना क्या, माना वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण क्या है बेटा, थीटा है। इसलिए अब देखिए बेटा, मैंने मान लिया ए और बी के बीच का कोण क्या है, थीटा है। इसलिए बताइए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे वेक्टर ए का मापांक और वेक्टर बी का मापांक। आइए ए डॉट बी ले लेते हैं। तो बताइए ए कितना है आपका, के कैप है ए डॉट, वेक्टर बी ले लेते हैं, वेक्टर बी कितना है, आप देखिए जरा वेक्टर बी कितना है आपका, वेक्टर बी कितना है बेटा आपका, 2i है, और क्या है 2j है, और क्या है माइनस के है, बटे वेक्टर ए का मापांक। तो ए का मापांक क्या हो जाएगा, i का गुणांक है ही नहीं, j का गुणांक यानी 0 धन 0, और k का गुणांक 1, इंटू क्या बेटा, अंडर रूट वेक्टर बी का मापांक। तो बताइए बी का मापांक आई के गुणांक का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4, जे के गुणांक का वर्ग 2 का वर्ग 4, और के गुणांक माइनस 1 का वर्ग भी 1 हो जाएगा। आइए क्या करेंगे, आई का गुणांक तो 0 आएगा क्योंकि यहां है ही नहीं,
जे जे का गुणांक तो जीरो आएगा क्योंकि है ही नहीं, के का गुणांक माइनस एक और प्लस एक यानी माइनस एक आ गया बटे अंडर रूट एक, और यहां पर देखिए अंडर रूट क्या हो जाएगा चार चार आठ एक नौ, कुल मिलाकर माइनस एक बटा नौ का वर्गमूल तीन का वर्गमूल एक बटा तीन। कॉस थीटा, इसलिए थीटा बराबर कॉस इनवर्स माइनस एक बटा तीन। अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, ये क्या हुआ, ये मेरा समझिए, ये मेरा जेड अक्ष के साथ, ये जेड अक्ष का सदिश था, तो ये जेड अक्ष के साथ कोण निकला। मुझे जेड अक्ष के साथ कोण नहीं चाहिए था, मुझे एक्स वाई समतल, तो एक्स वाई समतल और जेड अक्ष के बीच 90 का कोण होता है, तो मेरे को इसके इसके बीच का कोण निकला, ये कोण निकला। अब मुझे ये कोण चाहिए था तो पूरा 90, अगर 90 में मैं ये कोण घटा दूं तो ये ऑटोमेटिक कोण आ जाएगा, इसलिए क्या बेटा, इसलिए यहां पर क्या बच्चों, एक्स वाई समतल तथा वेक्टर बी के बीच का क्या बेटा कोण, जब आप निकालोगे तो 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या कर दोगे कॉस इनवर्स माइनस एक बटा तीन, और यही आपका आंसर हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए बच्चों। आइए बेटा देखिए, हमारा आठवां सवाल कंप्लीट हुआ, अब नौवां सवाल बहुत सरल है, मैं लगा कर नहीं सिर्फ हिंट दूंगा आपको। देखिए क्या दिया है नौवां सवाल, करा एक्स अक्ष, तो आप एक बात बताइए एक्स अक्ष का सदिश सिर्फ आई होता है, तो क्या करेंगे, चूंकि एक्स अक्ष का सदिश, एक्स अक्ष का सदिश उसको क्या मान लेंगे वेक्टर ए बराबर सिर्फ आई होगा, एक्स अक्ष का आई, वाई अक्ष का जे और जेड अक्ष का सिर्फ के हो जाएगा, और इसके बीच का कोण ठीक मैंने माना उसको वेक्टर बी बराबर क्या है बेटा आई प्लस जे प्लस के। अब इन दोनों के बीच का क्या चाहिए, कोण चाहिए, माना बीच का कोण थीटा है। अब आप निकाल लेंगे फिर से, अगर एक्स अक्ष पर कह दे तो एक्स अक्ष की दिशा में आई, सिर्फ वाई अक्ष कह दे वाई अक्ष की दिशा में जे, और सिर्फ जेड अक्ष कह दे तो के होता है, तो एक्स अक्ष यानी ए बराबर आई बी बराबर इतना, दोनों के बीच का कोण निकालना है। अब आप निकाल देंगे, दसवां सवाल भी यही है, दो सदिश दिए हैं बीच का कोण ज्ञात करना है, बिल्कुल सेम सिंपल सा सवाल उसको भी कर लेंगे। और ग्यारहवें सवाल में कह रहा है निम्नलिखित तीन सदिशों में प्रत्येक मात्रक सदिश है, ये मुझे दिखाना है। अच्छा हम कैसे जानते हैं कि ये मात्रक सदिश है, कुछ नहीं, उसका हम परिमाण निकाल दें, उसका मापांक निकाल दें, और अगर मापांक एक आ जाए तो मात्रक सदिश है, नहीं तो मात्रक सदिश नहीं है। जैसे आप देख लें बेटा, सवाल नंबर 11 माना वेक्टर ए बराबर पहला सदिश, वेक्टर ए बराबर क्या दिया है एक बटे सात, और क्या दिया है टू आई प्लस का 3j और प्लस का 6k, मुझे दिखाना है कि ये मात्रक सदिश है, तो अगर मैं इसका मापांक निकाल दूं और मापांक एक आ जाए तो इसका ये मात्रक सदिश होगा बेटा। तो ये काम करिए, इसका अंदर गुणा कर दीजिए तो 2 बटे 7 आई, गुणा कर दीजिए 3 बटे 7j, गुणा कर दीजिए 6 बटे 7k, इसलिए सदिश का क्या निकाल दीजिए मापांक निकाल दीजिए। तो बताइए सदिश का मापांक बराबर अंडर रूट क्या बेटा आई के गुणांक का वर्ग, तो 2 × 4 = 749, जे के गुणांक का वर्ग 3 × 9 = 749, के गुणांक का वर्ग 6 × 6 = 36 = 49। 49 हमने क्या ले लिया, लासा ले लिया, जैसे लासा लिया ऊपर 4 आया, ऊपर 9 आया, ऊपर 36, 36 × 4 = 49, तो 49 / 49 कट कर कितना हुआ एक, तो चूंकि वेक्टर ए का मापांक एक, इसलिए वेक्टर ए एक मात्रक सदिश,
मात्रक मतलब इकाई सदिश है, मात्रक सदिश होगा। इसी प्रकार शेष दो, उसको एक को बी और एक को सी, उनको भी मापांक निकाल लीजिएगा। अगर किसी सदिश का मापांक एक आ जाता है तो वो मात्रक सदिश होता है, मतलब इकाई सदिश होता है, मतलब यूनिट वेक्टर होता है। तो ये सवाल बहुत सरल हैं, 11 तक इनको लगाना है, आप कॉपी कर लीजिए, फिर मैं 12वें सवाल से कराता हूँ आपको। कॉपी कर लीजिए बेटा। आइए बच्चों, देखिए आपकी एक्सरसाइज का 12वां न्यूमेरिकल है, दिया क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। सबसे पहले इस चीज को समझिए, फिर दिया क्या है, यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मापांक है वो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मापांक के अगर बराबर है तो सिद्ध कीजिए ए और बी परस्पर लंब होंगे, ये मुझे सिद्ध करना है। तो आप एक बात बताइए, अपने जहन में थोड़ा सा जोर डालिए, दो सदिश कब लंब होते हैं? अगर उनका अदिश गुणनफल जीरो आ जाए तो वो लंब होंगे। तो अगर मैं ए डॉट बी निकालूं और वो जीरो आ जाए तो समझ जाइएगा वो क्या होंगे, लंब होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले चूंकि आपको दिया क्या है, दिया क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मापांक बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मापांक, क्या करने पर, वर्ग करने पर। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर मापांक है मतलब अदिश राशि है तो लिखेंगे वर्ग करने पर, अगर सदिश होता तो लिखते स्वतः गुणन करने पर, दोनों का एक ही तात्पर्य होता है। फिर से, अगर अदिश राशि है यानी क्वांटिटी है यानी परिमाण है तो आप क्या कहेंगे, वर्ग करने पर, और अगर वेक्टर है तो वर्ग करने को कहते हैं स्वतः गुणन, मतलब स्वयं से गुणा। तो ए का ए से गुणा, ए स्क्वायर ना हो गया तो उसे वर्ग करना नहीं कहते, स्वतः गुणन कहते हैं। आइए देखते हैं, यहां पर कोई दिक्कत नहीं, सदिश नहीं है क्योंकि यह मापांक की बात कर रहा है, जब मापांक की बात कर रहा है तो वर्ग करने पर, जैसे वर्ग करूंगा तो बताइए क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस बी के मापांक का वर्ग, फिर यहां भी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मापांक का वर्ग। और आपको पढ़ाया है दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल अपने मापांक के वर्ग के बराबर होता है, तो मापांक का वर्ग है मतलब इन दोनों सदिशों का अदिश गुणन किया गया होगा, यानी इसका मतलब दिस इंप्लाइज, सवाल क्या बना कि ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी रहा होगा, तभी दो समान, यानी ये और ये दोनों समान हैं, तभी दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल मापांक के वर्ग के बराबर हो गया। सेम चीज यहां भी, मापांक का वर्ग है मतलब क्या रहा होगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी से अदिश गुणन किया गया होगा, क्योंकि दो समान सदिशों का अदिश गुणन फली मापांक के वर्ग के बराबर होता है। आइए ए का ए में करेंगे तो वेक्टर ए डॉट ए का बी में करेंगे तो वेक्टर बी डॉट ए, बी का ए में करेंगे तो वेक्टर ए डॉट बी, और बी का जब बी में करेंगे तो वेक्टर बी डॉट बी। यहाँ पर आइए, ए का ए में करेंगे वेक्टर ए डॉट ए का बी में करेंगे तो माइनस आ जाएगा वेक्टर बी डॉट ए। यहाँ पर देखिए, बी का ए में करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा ए का बी में तो वेक्टर ए डॉट बी, और यहाँ पर जरा सा देखिए बेटा, बी का बी में जब करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वेक्टर बी डॉट बी। अब आप ध्यान से देखिए, दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल मापांक के वर्ग के बराबर, समझते जाइएगा। अच्छा, ए डॉट बी हो और चाहे बी डॉट ए हो, क्योंकि अदिश गुणनफल क्रम विनिमेय होता है, तो बी डॉट ए को मैं ए डॉट बी कर सकता हूँ, तो बी डॉट ए को ए डॉट बी क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि अदिश गुणनफल क्रम विनिमेय होता है, दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल मापांक के वर्ग के बराबर, यानी वेक्टर बी के मापांक के वर्ग के बराबर, दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल मापांक के वर्ग के बराबर।
और बी डॉट ए है काहे का है माइनस का है, तो बताइए बी डॉट ए को ए डॉट बी करूँगा, ठीक, माइनस ए डॉट बी, और दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल मापांक के वर्ग के बराबर होता है। आइए ध्यान से देखें, यह से यह क्या हो गया, कैंसल हो गया, यह से यह कैंसल हो गया। अब यहाँ पर समझिए a डॉट बी दो ठो वेक्टर a डॉट बी आ गया, सेम चीज़ यहाँ भी, माइनस के ए डॉट बी, माइनस के ए डॉट बी, माइनस के दो ठो वेक्टर ए डॉट बी। अब ऐसी गलती कभी मत करिएगा, ए डॉट बी से ए डॉट बी को काट दें तो दो बराबर माइनस दो गणित में सिद्ध कर दें, ऐसा कभी मत करिएगा। तो आप कहेंगे सर फिर क्या करेंगे, मैंने कहा ये माइनस का है इधर ले आइएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो बताइए दो वैक्टर ए डॉट बी प्लस दो ठो वेक्टर ए डॉट बी बराबर जीरो, दो दो क्या हो जाएंगे चार ठो वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या बेटा जीरो, ये कहाँ चला गया बटे में, तो वेक्टर ए डॉट बी बराबर जीरो बटे चार जीरो। देखो ए डॉट बी बराबर जीरो इसका मतलब ए और बी परस्पर लंब होंगे, इसलिए वेक्टर ए तथा वेक्टर बी परस्पर क्या होंगे लंब होंगे। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल था, बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल था, आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। देखिए बेटा ये भी काफी अच्छा काफी प्यारा न्यूमेरिकल है, बहुत आपको आनंद आने वाला है इस सवाल में। क्या कह रहा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर आठ दिया है, तथा वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी के मापांक का आठ गुना दिया है, तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी को क्या करना है ज्ञात करना है। बहुत बेहतरीन बहुत प्यारा सवाल है। आइए सबसे पहले आप एक बात देखिए इसको बेटा, चूंकि क्या बेटा वेक्टर ए का जो मापांक है वो आठ गुना है वेक्टर बी का मापांक, इसे समीकरण एक कर दीजिए, तथा दूसरी चीज यहां से उठाइए क्या दिया है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का अदिश गुणन वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के साथ आठ दिया है। अब आप ध्यान से देखिए इन दोनों का अदिश गुणन फल आठ दिया है, हम करके देखते हैं। तो जब ए का ए से करेंगे तो वेक्टर ए डॉट ए, ए का जब बी से करेंगे तो वेक्टर बी डॉट ए, बी का ए से करेंगे तो वेक्टर ए डॉट बी, और जब बी का बी से करेंगे तो वेक्टर बी डॉट बी बराबर आठ। अब एक बात बताइए, चूंकि अदिश गुणनफल क्रम विनिमेय होता है, इसका मतलब क्या बेटा, चूंकि b डॉट a बराबर a डॉट b होता है, अदिश गुणनफल क्रम विनिमेय होता है। अच्छा a वेक्टर a डॉट वेक्टर a यानी वेक्टर a के मापांक का वर्ग, दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल मापांक के वर्ग के बराबर। अच्छा b डॉट a को क्या कर सकते हैं a डॉट b, क्योंकि अदिश गुणनफल क्रम विनिमेय होता है, माइनस ए डॉट बी ऑलरेडी है, और यहाँ दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल मापांक के वर्ग के बराबर। अब यहाँ से आनंद उठाइए, ये प्लस का ये माइनस का कैंसल हो गया। दूसरी चीज वेक्टर ए का जो मापांक है आठ गुना है, तो यहाँ पे रख दीजिए आठ गुना, वेक्टर ए का मापांक आठ गुना है वेक्टर बी का मापांक, और आपको वर्ग करना है, तो वर्ग माइनस वेक्टर बी के मापांक का वर्ग बराबर आठ। तो बताइए आठ का वर्ग करेंगे अठौ अट्ठी चौंसठ, वेक्टर बी के मापांक का वर्ग माइनस वेक्टर बी के मापांक का वर्ग बराबर आठ। अब यहां से आनंद उठाइए, आठ का वर्ग चौंसठ, वेक्टर बी के मापांक का वर्ग माइनस वेक्टर बी के मापांक का वर्ग, चौंसठ में एक चला गया तो तिरसठ आया, और क्या आया बच्चों, वेक्टर बी के मापांक का वर्ग बराबर आठ। इसका मतलब वेक्टर बी के मापांक का वर्ग आठ बटे तिरसठ।
इसका मतलब वेक्टर बी का जो मापांक है वो अंडर रूट 8/63, 8 को 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, 9/27, 3 अंडर रूट 7 लिख सकते हैं। ये मेरा क्या आया, वेक्टर बी का मापांक आ गया और यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, 8 आंसर मिल गया। ये मुझे वेक्टर बी का मापांक ज्ञात हो गया। अभी क्या बचा, वेक्टर ए का मापांक। तो समीकरण एक से, कहाँ से बेटा, समीकरण एक से। क्या है समीकरण एक बेटा, चूंकि क्या बेटा, वेक्टर ए का मापांक 8 गुना है वेक्टर बी का मापांक, तो रख दीजिए 8 गुना, और वेक्टर बी का मापांक कितना है, 2 अंडर रूट 2 बटे 3 अंडर रूट 7। तो बताइए 8 दूना 16 हो गया, 16 अंडर रूट 2 बटे 3 अंडर रूट 7, और यही वेक्टर ए का मापांक हो गया। कॉपी कर लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे चलेंगे। आइए बेटा देखिए सवाल नंबर 14। यदि सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के मापांक क्रमशः ए और बी हो तो सिद्ध कीजिए वेक्टर ए बटे ए स्क्वायर माइनस वेक्टर बी बटे बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर इतना। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए दिया क्या है, चूंकि बताइए वेक्टर ए का मापांक क्या है, ए है, और वेक्टर बी का जो मापांक है वो बी है। अब आइए सिद्ध करना इतना बराबर इतना। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड अपना क्या कर लिया, उठा लिया। देखिए ध्यान से थोड़ा गौर से, लेफ्ट हैंड साइड आखिर मेरा है कितना, इसको देखिए बेटा कितना है, वेक्टर ए अपान ए स्क्वायर माइनस वेक्टर बी अपान बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। आइए बताइए ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी वेक्टर ए अपान ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी अपान बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस टू, ए की जगह ए अपान ए स्क्वायर और बी की जगह क्या बेटा, वेक्टर बी अपान बी स्क्वायर। अब आपको ध्यान से देखना है, यहां पर गौर से जो चीज समझ में ना आए तो बताना है। वेक्टर ए का वर्ग मतलब वेक्टर ए डॉट अपान, या इसको इस तरह भी कर सकते हैं क्या बेटा, वेक्टर ए डॉट ए अपान ए पावर फोर, बीच में काहे का चिन्ह प्लस का, वेक्टर बी के मापांक का वर्ग, यानी क्या हो जाएगा, वेक्टर बी डॉट बी अपान बी पावर फोर, क्योंकि वर्ग का मतलब स्वतः गुणन मतलब अदिश गुणन किया गया, माइनस दो, ऊपर क्या कर देंगे वेक्टर ए डॉट बी और नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखना है, जो चीज समझ में ना आए पूछना है। दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल मापांक के वर्ग के बराबर होता है, यानी क्या कर देंगे वेक्टर ए के मापांक का वर्ग अपान क्या लिखा है ए पावर कितना फोर प्लस, दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल यानी मापांक का फिर से वर्ग, यानी वेक्टर बी के मापांक का वर्ग अपान बी पावर फोर, बी पावर फोर माइनस क्या लिखा है, क्या लिखा है दो गुना वेक्टर ए डॉट बी अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा बेटा, वेक्टर ए का मापांक कितना है, ए है, तो वेक्टर ए का मापांक ए, तो ए स्क्वायर अपान प्लस, बताइए बेटा वेक्टर बी का मापांक बी है, तो वेक्टर बी के मापांक की जगह बी स्क्वायर अपान बी पावर फोर माइनस दो ठो वेक्टर ए डॉट बी अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बहुत आसान है, ध्यान से देखते जाइए। अब गौर से देखिए, ए स्क्वायर से पावर फोर को काटूंगा तो ए स्क्वायर आएगा, इसी प्रकार बी स्क्वायर से बी पावर फोर को काटूंगा तो क्या आएगा, वन अपान बी स्क्वायर माइनस दो ठो
वेक्टर ए डॉट बी अपन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखें तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों से लासा हो रहा है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया तो बी स्क्वायर ऊपर पहुंच गया, देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया तो ए स्क्वायर ऊपर पहुंच गया, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर से कट गया तो क्या गया, दो ठो वेक्टर ए डॉट बी। ध्यान से देखो इस ए स्क्वायर को क्या कर, एक मतलब मापांक है नहीं, वेक्टर ए के मापांक का वर्ग बी स्क्वायर। गौर से देखो ए ए है क्या, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर। यहां से देखो बी बराबर मॉडुलस ऑफ ए माइनस के दो ठो वेक्टर ए डॉट बी अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और आप एक चीज जानते हैं, दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल ही मापांक के वर्ग के बराबर होगा, मतलब इसको वेक्टर ए डॉट ए कहेंगे, इसको वेक्टर बी डॉट बी कहेंगे, दो ठो वेक्टर ए डॉट बी अपान ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। यहां पर आ जाइए, ध्यान से देख लीजिए बेटा, दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल, वो अदिश गुणनफल ए ए डॉट ए, इसको वेक्टर ए का स्क्वायर, वेक्टर बी डॉट बी वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस दो ठो वेक्टर ए डॉट बी अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ध्यान से देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यानी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इकट्ठा लग सकते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी अपान ए बी का होल ऑफ स्क्वायर। और यही आपका क्या था, राइट हैंड साइड था। फिर से एक बार ध्यान से देख लें, सवाल क्या था, वेक्टर ए वेक्टर बी के मापांक ए बी हैं, मतलब वेक्टर ए का मापांक ए है, वेक्टर बी का मापांक बी है, लेफ्ट हैंड साइड उठाया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए का वर्ग दिया वेक्टर ए का वर्ग, यानी वेक्टर ए डॉट ए अपन ए पावर फोर, वेक्टर बी का वर्ग वेक्टर बी डॉट बी अपन बी पावर फोर माइनस दो ठो वेक्टर ए डॉट बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर से दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल मापांक के वर्ग के बराबर, लेकिन वेक्टर ए का मापांक ए है तो ए स्क्वायर। इसी प्रकार वेक्टर बी डॉट बी दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल मापांक के वर्ग के बराबर, मापांक आपका बी है तो इसकी जगह बी रख दिया, ए स्क्वायर से ए पावर फोर काटा, बी स्क्वायर से बी पावर फोर काटा, दोनों का लासा लिया। अब यहां पर देना है ए स्क्वायर, तो यहां पर जरा नोटिस करो ए बराबर है क्या, वेक्टर ए का मापांक, तो ए स्क्वायर बराबर वेक्टर ए के मापांक का वर्ग। इसी प्रकार बी बराबर है क्या, वेक्टर बी का मापांक, तो बी की जगह क्या कर देंगे, वेक्टर बी के मापांक का वर्ग। और मापांक का वर्ग है मतलब अदिश गुणन किया गया होगा, दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल मापांक के वर्ग के बराबर, ए डॉट ए मतलब ए स्क्वायर, b डॉट b मतलब b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस टू ए बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर b स्क्वायर, तो इकट्ठा ब्रैकेट लगा दिया। यही मुझे सिद्ध करना था, काफ़ी आसान सिंपल सा न्यूमेरिकल था, कॉपी कर लीजिए आप लोग, इम्पॉर्टेंट भी है बेटा बहुत। आइए बेटा देखिए पंद्रहवें का पहला पार्ट, काफ़ी अच्छा सवाल है, दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण ज्ञात करना है, यदि इनके परिमाण समान है, तो सबसे पहला पॉइंट यहीं से शुरू हो जाएगा कि इनके परिमाण समान हैं, तो सबसे पहले क्या बेटा, चूंकि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के परिमाण क्या है, समान हैं, इसलिए माना, अतः माना, मैंने माना वेक्टर ए का मापांक चूंकि बराबर तो दिए है बट कितना है नहीं पता, मैंने माना क्या है, ए है। आइए शुरू हो जाइए, ठीक, आइए चूंकि वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, जरा देखिए बेटा, जरा देखिए ध्यान से देखना है, जो चीज समझ में ना आए तो निसंकोच होकर पूछना है, इनके परिमाण समान हैं। आइए देखते हैं बेटा, अदिश गुणनफल दिया है क्या, हाँ, और अदिश गुणनफल एक बटा दो है, कोण 60 है, तथा अदिश गुणनफल एक बटा दो है, अदिश गुणनफल
कितना है, एक बटा दो है, ये सवाल है हमारा। तो देखिए चूंकि वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक और दोनों के बीच के कोण की कुछ। अब ध्यान से देखिए वेक्टर ए डॉट बी का मान कितना है, एक बटे दो, अदिश गुणनफल एक बटा दो है। वेक्टर ए का मापांक ए है, वेक्टर बी का मापांक भी ए है और दोनों के बीच का कोण कितना है, 60 है। कितना है, 60। आइए एक बटा दो, ए ए क्या हो गया, ए स्क्वायर कॉस 60 का मान एक बटा दो, और एक बटा दो से एक बटा दो क्या हो गया, कैंसल हो गया। इसका मतलब ए स्क्वायर बराबर एक, इसका मतलब ए बराबर कितना हो जाएगा, एक। इसलिए वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक बराबर एक हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आंसर। सबसे आसान और सिंपल सवाल था, कॉपी कर लीजिए, इसका दूसरा पार्ट भी बता दूं मैं। आइए बेटा ध्यान से देखिए, यदि एक मात्रक सदिश ए के लिए, मतलब ए एक मात्रक सदिश है, तो शुरू करते हैं, चूंकि वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है, और अगर मात्रक सदिश है तो वेक्टर ए का जो मापांक है वो कितना होगा, एक। क्योंकि वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है इसलिए मतलब वेक्टर ए का मापांक कितना होगा, एक होगा। आइए शुरू हो जाते हैं फिर से बेटा, चूंकि माइनस डॉट वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए बराबर 12। आइए एक्स का एक्स में करते हैं तो एक्स डॉट एक्स, ए का एक्स में करते हैं तो ए डॉट एक्स, एक्स का ए में करते हैं तो एक्स डॉट ए, और माइनस प्लस माइनस वेक्टर ए डॉट ए बराबर 12। दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल मापांक के वर्ग के बराबर, और ए डॉट एक्स कोई दिक्कत नहीं, आपको पढ़ाया है कि अदिश गुणनफल क्रम में होता है, तो एक्स डॉट ए को ए डॉट एक्स हम लिख सकते हैं, दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल मापांक के वर्ग के बराबर। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये पद से ये पद आपका कैंसल हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर बराबर कितना दिया है आपको, 12 दिया है। एक बात बताइए, मॉडुलस ऑफ ए बराबर कितना है, एक है, तो मॉडुलस ऑफ एक्स का स्क्वायर और इसका मान एक है, तो एक साफ साफ दिया है कि यदि ए एक मात्रक सदिश है, मतलब वेक्टर ए का मापांक एक है, तो बताइए मॉडुलस ऑफ एक्स का जो मापांक का वर्ग है, एक का वर्ग एक उधर जाएगा 13, इसलिए मॉडुलस ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 13, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ एक्स बराबर अंडर रूट 13, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं।